हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? तो जल्दी से जल्दी मैं कंटेंट लगा देता हूं, उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा हम करते हैं। हाँ जी, मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आप भी शानदार होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। सर, ये क्लास कब से हो रहा है? ये क्लास आज से ही तो हो रहा है, ठीक है ना? तो देखिएगा जी, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो रेफरल कोड जो है अपना क्या रहेगा? रेलवे ग्रुप डी का क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? कर रेलवे ग्रुप डी का तो नहीं, मैं एसएससी जीडी का जरूर स्टार्ट किया है। शाम को 3 बजे से मेरा क्लास रहता है शाम को, ठीक है ना? हमारे लिए कुछ सोचिए। अच्छा जी, बिल्कुल आपके लिए भी कुछ सोचा जाएगा। तो सबसे पहले तो बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। और रेफरल कोड अपना क्या रहेगा साथियों? प्रवीण रेवन रहेगा। और यहाँ पर वीकली क्विज भी रहेगा, डाउट सेशन भी रखा जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और सारे एजुकेटर की क्लासेज आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में देखने को मिल जाती है। रेफरल कोड जरूर याद रखेंगे, प्रवीण रेवन। शुरुआत करते हैं फिर आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की, और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यह आता है, क्या आता है? लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? जो अपनी लोकसभा है वो वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा। और पोल करके आंसर देना है, कोई भी बच्चा कमेंट करके आंसर नहीं करेगा जी। और बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जी। अगर देखिएगा आपके यहां पर लोकसभा की बात अगर अपन करेंगे, आपसे ये पूछा गया था प्रथम नेता विपक्ष के कौन थे जी, तो मेरे प्यारे साथियों बिल्कुल एके गोपालन इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपके सीपीआई से बिलोंग करते थे क्या? और वैसे तो आपके ये वाई बी चौहान जो आते हैं ऑफिशियली अगर अपन बात करेंगे, ये आपके कांग्रेस से बिलोंग करते थे, ये तो ऑफिशियली बने थे, लेकिन पहले अगर आपसे पूछेगा तब आपका आंसर क्या जाएगा? एके गोपालन, ठीक है ना? भारत की लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता श्री एके गोपालन थे, जो सीपीआई और आरपीआई के संयुक्त नेता थे, लेकिन यह पद 1977 में बना था, तब वाई बी चौहान ऑफिशियली रूप से नेता प्रतिपक्ष बने थे जो कांग्रेस से थे, ठीक है ना? तो ये पद जो है पोस्ट जो ऑफिशियली कब बना था, 1977 की बात मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? बताओ देखें, लोकसभा अध्यक्ष जो होगा ये मेरे प्यारे साथियों अपना त्याग पत्र, मैं पूर्ण नहीं दिया ना आपको, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के उपाध्यक्ष या फिर संसदीय कार्य मंत्री, आपसे पूछा गया है कि अपना ये जो लोकसभा अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? फटाक से बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। हाँ जी, जल्दी से बताओ। इसमें से केवल 33% बच्चों ने ये सही किया है। अरे आपसे पूछा गया लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को करेगा, पीएसआई जो भी है भैया जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, ये कमेंट में नहीं आंसर करेंगे, पोल में आंसर करेंगे। तो अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है। अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से पारित संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है, ठीक है ना? याद रखिएगा जी। और बात अगर की जाएगी
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे मित्रों, यह आ गया आपका प्रश्न, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थाई रूप से कौन काम करता है। अब मेरे को ये बताओ, देखें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो जाएं तो भैया कौन काम करेगा। हाँ जी बताओ जी, कौन काम करेगा जी। लोकसभा अध्यक्ष काम करेगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, राज्यसभा का उपसभापति, या फिर संसद के दोनों सदनों का कोई नामित व्यक्ति। ये तो सीधा सा सिंपल सा प्रश्न आसानी के साथ बता सकते हो, किसी का भी गलत ही नहीं होना चाहिए जी। अरे जी बिल्कुल, 90% ये कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल करेक्ट कह रहे हैं। ओके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अगर मान लो ये भी नहीं रहे तो फिर कौन करेगा जी, ये भी नहीं रहे तो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालता है, अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थिति हो तो उसकी मृत्यु हो जाए तब सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के कार्यभार को संभालता है। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, वो संभालेगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत का योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित हुआ था। योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन जो था मेरे प्यारे साथियों, इंडिया में इसे कब स्थापित किया गया था बताओ। देखें पोल करो फटाक से। हाँ जल्दी से बताइए, देखें जी मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करेंगे प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये आपका 1950 ईस्वी में स्थापित हुआ था क्या। बिल्कुल, भारत का योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था थी जिसका प्रमुख कार्य क्या था जी, आपके 5 ईयर प्लान बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने पहले स्वतंत्र दिवस के भाषण में कहा कि उनका इरादा योजना कमीशन को भंग करना है, और 2014 में इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था, अरे नीति आयोग कर दिया गया था क्या, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग इसका नाम मेरे प्यारे साथियों कर दिया गया था। भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है इसका, और 15 मार्च 1950 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना की स्थापना की गई थी, और योजना आयोग का अध्यक्ष जो हुआ करता था, ये प्रधानमंत्री हुआ करता था ना, और इसका काम क्या हुआ करता था, आपके प्लानिंग और 5 ईयर प्लान बनाना, ठीक है ना। अब देखिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, संविधान में इसका उल्लेख, कोई उल्लेख नहीं है। एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। आपको यहां पर देखना है कि कौन सा कथन जो है ये मेरे प्यारे साथियों सही है, उसका आपको आंसर देना है। हाँ जी बताइएगा, देखें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर ठीक है, 1 2 3 4 पे लगे पड़े, ऐसे कैसे काम चलेगा जी। अरे भाई ये आपके अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछ रहा आपसे, तो एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि होनी चाहिए, और सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। ये दोनों कथन आपके सत्य थे, तो बिल्कुल ठीक है जी।
लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, कृष्णा कुमार। ठीक है, और फिर रहा पहला स्टेटमेंट, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, तो इस अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है, अविश्वास प्रस्ताव का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करेंगे तो। ठीक है ना, ओके, चलिएगा जी आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बिफोर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट अंडर विच आर्टिकल? आर्टिकल 74, आर्टिकल 112, या फिर आपके आर्टिकल 265, या फिर आर्टिकल 370? बताओ, देखें, पोल करो, देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है, बताओ जी। तो लाडलो बात अगर की जाएगी, आर्टिकल 112 की बात हम अगर करेंगे, अनुच्छेद 112 की बात अगर की जाएगी, आपके यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में यूनियन बजट का वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है। यूनियन बजट में सरकार की आमदनी और प्रस्तावित योजनाओं पर होने वाले खर्च का भी विवरण है होता है, और केंद्रीय बजट को लागू करने से पहले उसे संसद के दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवाना पड़ता है। ठीक है ना, चलेगा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को पूछ रहा है जी, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है ये आपको बताना है। जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो, जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। सी है ए व बी दोनों, या डी है इनमें से कोई नहीं, बताइए देखें क्या होगा करेक्ट आंसर। राज्यसभा को भंग कब किया जा सकता है? इसमें भी आधे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं जी, कैसे काम चलेगा ऐसे? तो मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी आपके यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है ना, याद रखना इसको। तो राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, ठीक है ना, परमानेंट बॉडी है ये। और मेरे प्यारे साथियों, आपके इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तथापि इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, तथा उन्हें एक निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है जी। चलेंगे आगे, आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? कहाँ के लिए? राज्यसभा की बात आपसे पूछी जा रही है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पर आपके नामित करने का अधिकार जो है न्यायपालिका के पास में है, या फिर लोकसभा, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, बताओ देखें फटाक से पोल करो। हाँ जी, तो देखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति तो भैया राष्ट्रपति करता है क्या? प्रेसिडेंट की बात हम अगर करेंगे, बिल्कुल जी ठीक है रे। कौन है? बलबीर रावत जी। कमेंट बॉक्स में ही कमेंट नहीं करना है, पोल करके आंसर देना है लाडले। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है, लोकसभा निचली प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा 245 सदस्य होते हैं आपके लोकसभा के, आपके राज्यसभा में,
जिनमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य नामांकित होते हैं। तो भैया आपके यहाँ पर राज्यसभा में तो 12 सदस्य और लोकसभा में आपके कितने 2 सदस्य। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है और अन्य सदस्यों का आपका चुनाव होता है, आपको पता ही होगा। तो भैया आपके यहाँ पर राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें से 1/3 सदस्य हर 2 साल में आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और यही कारण रहता है कि मेरे प्यारे साथियों, इसे आपके राज्यसभा को, ये आपके परमानेंट बॉडी है इसकी, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, चलेगा। और यहाँ पर जो आपके मेंबर आते हैं, इनको नामित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? हाउस ऑफ पीपल जो था उसका नाम बदल करके लोकसभा कब किया गया? 1954, 1964, 1974 या 1984? बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हाउस ऑफ द पीपल, हाँ जी जल्दी से बता दीजिएगा गाइस, फटाक से बता दो देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हाउस ऑफ द पीपल का। तो भैया 1954 में किया गया था। क्या 1954 ईस्वी में हाउस ऑफ द पीपल का नाम क्या रख दिया गया? लोकसभा। और मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा नाम इकाई को लोकसभा नाम दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ संविधान सभा ने पहली लोकसभा तक प्रांतीय संसद के रूप में कार्य किया, और फिर 1952 में आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन मेरे प्यारे साथियों किया गया था। चलेगा जी, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। संसद की लोकसभा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? संसद की लोक लेखा समिति जो है वो इज अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। हाँ जी सूरज जी, बताइए देखें इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बता दीजिएगा फटाक से। अरे तो इसमें 50% प्रेसिडेंट क्यों कर रहे हो? संसद की लोक लेखा समिति है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसका अध्यक्ष ही विपक्ष का नेता होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। कल कैसे गलत कर बैठे, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। यह आपकी पब्लिक अकाउंट कमेटी एक संसदीय समिति है जो भारत सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर जो भी खर्चा किया जाता है उसके बारे में जानकारी रखने का कार्य इसके द्वारा करती है। वर्तमान में लोकसभा में कांग्रेस फ्लोर लीडर अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि आपके यहाँ पर जो विपक्ष का दल जो होता है उसी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति में कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सदस्य है, ये भी ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला प्रश्न क्या कहता है। राज्यपाल अपने विवेकाधिकार अथवा शक्तियों का उपयोग किस पर नहीं कर सकता है? ऑन व्होम कैन द गवर्नर नॉट एक्सरसाइज हिज डिसर्टेन और पावर्स? मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर, मंत्रालय की बर्खास्तगी पर, या विधानसभा को भंग करने पर, या फिर विधेयकों को स्वीकृति देने पर? बताओ देखें किस पर अपनी शक्तियों और पावर का उपयोग उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है। पोल करके आपको आंसर देना है और लगभग में गलत आंसर देना है ना। अरे नहीं कर सकता है पूछा है राज्यपाल, क्या मुख्यमंत्री को अपॉइंट नहीं करता है क्या राज्यपाल? ऐसे ही आप कैसे बोल रहे हो, मुख्यमंत्री को अपॉइंट तो यही तो करता है, और कौन करता है जी? अरे तो भैया विधेयक को स्वीकृति देने का कार्य इसके बस का नहीं है। उदयपुर बस स्टैंड से लाइव हैं कार्तिक शर्मा जी, आप उदयपुर बस स्टैंड पे कोई जॉब करते हैं क्या? हमेशा ही उदयपुर बस स्टैंड पे उपस्थित रहते हैं आप।
तो देखिएगा, राज्यपाल कुछ परिस्थितियों में अपने विवेकाधिकार का उपयोग कर सकता है, जैसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना, किंतु विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए उसकी शक्तियां सीमित हैं, वह वहां अपने विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता। याद रखिएगा इसको। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है जी, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ये तो बड़ा इजी सा प्रश्न है। वो अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आपके चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ आपके मजिस्ट्रेट या फिर उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ये तो आसानी के साथ ही बता सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बताइएगा, देखें। हाँ जी, कर दिया गया जी। तो देखिएगा जी, आपके राज्यपाल जो आता है वो गवर्नर जो है वही तो अपॉइंट करेगा ना मेरे प्यारे साथियों। बताओ देखे, गवर्नर के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा ना जी? बिल्कुल। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 315 में एक संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है ना? आगे देखते हैं जी, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सरकार की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ ए फेडरल गवर्नमेंट, की बात आपसे पूछी जा रही है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट, संसद की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, या फिर एकल नागरिकता। संघीय सरकार की विशेषता क्या है, यह आपको देखना है जी। जी 50% बच्चे सही आंसर कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। आपके यहाँ पर संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण जो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ये एक संघीय सरकार की विशेषता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट है अपने यहाँ पर। संघ सरकार में समन्वय एवं संतुलन स्थापित करने हेतु शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। संघीय सूची, राज्य सूची सुने होंगे आपने। बिल्कुल, शक्तियों का विभाजन अलग अलग किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन विषयों में डालकर दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है जी? अविश्वास प्रस्ताव, या निंदा प्रस्ताव, या विशेषाधिकार प्रस्ताव, या कटौती प्रस्ताव? बताओ देखें, आसानी के साथ बता सकते हो अगर थोड़ा सोच विचार करके आंसर दे दिया तो। प्रिविलेज ऑफ हाउस की बात की जा रही है। अरे, विशेषाधिकार को भंग किया है तो इसका प्रस्ताव जो होगा वही विशेषाधिकार ही प्रस्ताव होगा यार। सीधा सा, सिंपल सा था, इसमें तो सोचने विचारने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा सी ऑप्शन दिख रहा था, आप लोगों को आंसर कर देना था यहाँ पर। अरे लाडलो, जब किसी भी राज्य विधायिका या संसद सदस्य को यह लगे कि किसी अन्य मंत्री ने अपने के अप, मामले किसी मामले के तथ्य को छुपाकर सदन में आपके विशेषाधिकार का उल्लंघन किया, तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव विशेषाधिकार प्रस्ताव ही कहलाएगा। इसी के नाम से मिलता जुलता नाम था। संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? 3 माह, 6 माह, 8 माह या फिर 9 माह? बताओ देखें।
आपसे पूछा जा रहा है हाउ लॉन्ग द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट इन द सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट इन इमरजेंसी रिमेन इफेक्टिव आफ्टर द एंड ऑफ इमरजेंसी, कितने महीने तक ये प्रभावी रहेंगे जी? जी मेरे प्यारे साथियों, ये आपके 6 माह तक प्रभावी रहेंगे। बिल्कुल ठीक आंसर आपका आया है। तो देखिएगा, अक्षय गोड है, सूरज है, पीएसआई है, कृष्णा कुमार है, प्रदीप सिंह, अभिषेक शर्मा, संग्राम, धीरज, के और निशा वर्मा। जी मेरे प्यारे साथियों, 6 माह तक ये प्रभावी रहेंगे आपके यहाँ पर। अगले को देखते हैं, जो जानते हैं पहले, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों को अनुच्छेद 353 व 354 में दिया गया है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है? आपातकालीन उपबंध जो आता है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है, ये इंडिया ने कहां से लिया? जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्रिटेन? बताओ, पोल करके आंसर बताओ मेरे साथियों। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपके आपातकालीन उपबंध किस देश की देन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात हम अगर करेंगे, जिनका मेंशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी किया गया है, इज द प्रोडक्ट ऑफ जर्मनी। जर्मनी से लिया गया है आपातकालीन उपबंध। भारतीय संविधान में शामिल आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिया गया है, अर्थात यह जर्मनी की देन है। वहीं कनाडा से शक्तियों का विभाजन अगर बात की जाएगी, आपके सेपरेशन ऑफ पावर की बात, तो कनाडा से। संघात्मक शासन व्यवस्था, ये भी आपके कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची संबंधी उपबंध मेरे प्यारे साथियों लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, रुक्मणी देवी अरुंडेल या फिर कमला देवी चट्टोपाध्याय? वो वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्या होगा? हेलो जी धर्मेंद्र कुमार जी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ये आपको बता देना है जी। और मेरे को लग रहा बहुत सारे बच्चे इसका गलत आंसर करेंगे, एक सेकंड का इंतजार कर लें तो मैं इसमें थोड़ा सा चार्जर लगा देता हूँ यार, ठीक है? लेकिन पहले आंसर बता देता हूँ, उसके बाद लगाते हैं। रुक्मणी देवी अरुंडेल आएंगे, मेरे को पता था राजकुमारी अमृत कौर सबसे ज्यादा करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं है, रुक्मणी देवी हैं जी। और मेरे प्यारे साथियों, राज्यसभा के लिए मनोनीत आपसे पूछी गई है, पहली महिला रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। भरतनाट्यम नृत्यांगना के तौर पर मिला प्रसिद्धि के कारण आपके राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था, और साथ ही साथ भरतनाट्यम की मशहूर नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल का जन्म 29 फरवरी 1904 में मदुरई के ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और वह शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान करने के लिए जानी जाती हैं। तो याद रखिएगा इनका नाम, रुक्मणी देवी अरुंडेल, जो भरतनाट्यम की अच्छी डांसर थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपके यहाँ पर किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 370 या फिर आर्टिकल 270? ये आपको पोल करके आंसर बता देना है। इतने में मैं इसका आंसर करो, देखे एक सेकंड में मैं यूं गया और यूं आचार लगा देता हूँ इसका।
हाँ जी, कर लिया था क्या आंसर? तो देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य महाधिवक्ता पद का उपबंध है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 165 की बात हम अगर करेंगे, राज्य महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिससे संबंधित उपबंध संविधान के अनुच्छेद 165 में अपने को देखने को मिलता है जी। ठीक है ना? और इसमें कहा गया, राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अर्हता रखता हो, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है जी? द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? ये आपको बताना है, संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर यूनाइटेड किंगडम, या फिर कनाडा, या फिर आयरलैंड? बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, मेरे प्यारे साथियों फटाक से बता दीजिएगा। आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है जी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है क्या? बिल्कुल ठीक आंसर आएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनरीक्षा इस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अंतर्गत कार्यकारिणी के कार्यों की भी न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा की जाए, कार्यकारिणी जो है उसके कार्यों की भी पुनरीक्षा की जाए। अगला प्रश्न, किसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान आपके संजना कपूर, रोहिणी गोडबोले, या फिर ऋषि सुनक, या फिर सबीना सिंह? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, किसे फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फटाक से बता दो देखें सारे के सारे बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी, अगर हम चर्चा करें, ये कौन है? यस यत्रे जी, आपको कमेंट नहीं करना, पोल में आंसर देना है। रोहिणी गोडबोले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, और रोहिणी गोडबोले आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुंबई की भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस की प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया है। रोहिणी को यह पुरस्कार महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आने वाले प्रोत्साहित करने और फ्रांस और इंडिया के बीच सहयोग देने के कारण दिया गया है। और मेरे प्यारे साथियों, आपके फिजिक्स के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए 2019 में उनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। रोहिणी गोडबोले याद रखिएगा, आपके ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट फ्रांस का सम्मान है, उससे सम्मानित इनको किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाएगी? विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी जो है ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? आपके दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, या फिर मुंबई? ये थोड़ा सा पहले का वही करंट है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना है इसको, इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ये। बताओ देखें, विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी किस शहर में आयोजित की जाएगी? सबने कर दिया होगा ये, तो 70% बच्चे ठीक कर रहे हैं इसको, बाकी के 30% तो तुक्के ही से ही काम चला रहे हैं। तो बेंगलुरु आएगा क्या? बिल्कुल बेंगलुरु में, मेरे प्यारे साथियों, आपके 7 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में आपके स्टेशन पर किया गया था। अगला, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार संजय शर्मा, सोनू सूद, रवि गायकवाड़, या फिर मेरे प्यारे साथियों आपके दीपंकर दत्ता? ये मेरे को लगता है काफी सारे बच्चे इसका गलत आंसर करेंगे, मेरे को पहले ही पता था, 50% तो सोनू सूद पे पहुंच गए हैं। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और बहुत कम बच्चों ने यहाँ पर, धीरज ने, गुड्डू साहू, यश यात्रा,
और कौन है जी आपके, राधेश श्याम भार्गव जी और मोहित कटारिया जी, इन बच्चों ने इसका आंसर ठीक किया है। ध्रुव पांडे जी, पोल करके आंसर देना है, कमेंट में नहीं करना आंसर। तो रवि गायकवाड़ की बात हम अगर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है। और नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार मानवता के लिए, मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। इस बार ये रवि गायकवाड़ को दिया गया। नेल्सन मंडेला आपको पता होगा, आपके दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे क्या? बिल्कुल ठीक है। किसे शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कूच चैलेंजर अवार्ड मिला है? शासन में पारदर्शिता के लिए स्कूच चैलेंजर अवार्ड मिला है। जल शक्ति मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या फिर पंचायती राज मंत्रालय, कौन से डिपार्टमेंट को दिया गया है जी बताओ। किसे शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कूच चैलेंजर अवार्ड मिला है? फटाक से बताइएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है क्या? तो देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज को दिया गया है। 70वें स्कूच समिट, स्कूच पब्लिक पॉलिसी फॉर्म के दौरान पंचायती राज मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता श्रेणी के तहत स्कूच चैलेंजर अवार्ड मिला है। ये स्कूच चैलेंजर अवार्ड ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जनजातीय मामलों के मंत्रालय को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुलिस स्टेशन को 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया? 2020 में आपके बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा था? नोंगपोंग, सेमकाई, झिलमिल, खरसांग या कालीघाट? पोल करके आपको बताना जी करेक्ट आंसर क्या होगा। किस पुलिस स्टेशन को 2020 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में चुना गया है? ओ, 45% बच्चे कह रहे हैं झिलमिल। नाम इनको अच्छा लगा झिलमिल, इसलिए झिलमिल पे आंसर जा रहा है इनका, है ना? ऐसी बात है ना। अरे साथियों, आपके नोंग पोंग सेमकाई जो आते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोंग सेमकाई पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वास्तव में थाने के प्रभारी अधिकारी को ट्रॉफी प्रदान की है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बन गया था? पेटा इंडिया, शाहिद कपूर, जॉन अब्राहम, कंगना रानौत या फिर मेरे प्यारे साथियों आपके सोनम कपूर? पेटा इंडिया जो है उसका पर्सन ऑफ द ईयर 2020 कौन बन गया? तो पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2020, ये आपके रैंक है कृष्णा कुमार, पीएसआई अभिषेक, धीरज, संग्राम, अक्षय, सूरज, के शुक्ला, प्रदीप सिंह, मोहित कटारिया जी, ये टॉप 10 की रैंक है। जोन अब्राहम आ जाएगा जी इसका करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा? जोन अब्राहम आ जाएगा ना, बिल्कुल ठीक है। ये देखिएगा, पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना और कहा कि पशु खतरे में तो हमें भरोसा है कि वो बचाएंगे, पशु प्रेमी और किसी भी तरह के एनिमल अब्यूज के खिलाफ काम करने वाले अब्राहम को पीपुल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल ने पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चुना है 2020 में। अगला देखते हैं, स्वास्थ्य साथी किस राज्य की स्वास्थ्य योजना है? स्वास्थ्य साथी किस राज्य की स्वास्थ्य योजना है? स्वास्थ्य साथी, कर्नाटक, हरियाणा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? हाँ बिल्कुल ठीक है कृष्णा कुमार जी, इसका आंसर बताओ। देखें, स्वास्थ्य साथी किस राज्य की स्वास्थ्य योजना है जी? कर्नाटक, हरियाणा, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। साथ या साथ निभाना, स्वास्थ्य साथी योजना किस राज्य की स्वास्थ्य योजना है?
जी मेरे प्यारे साथियों, बात अगर की जाएगी पश्चिम बंगाल की है क्या, तो स्वास्थ्य साथी योजना पश्चिम बंगाल राज्य की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। ये प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करता है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात अगर की जाएगी, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ा सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है, लेह में, मनाली में, जम्मू में या फिर देहरादून में। भारत में सबसे ऊंचा अधिक ऊंचाई पर द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट ए हाई एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज बीन सेट अप एट विच प्लेस, लेह, मनाली, जम्मू या फिर देहरादून। 17% बच्चे तो देहरादून कर रहे हैं और 22% बच्चे बता रहे हैं जम्मू में आएगा जी, जबकि 44% बच्चे ठीक आंसर कर रहे हैं, लेह आ जाएगा जी, बिल्कुल लेह में ये आपके सोलर पावर जो है प्रोजेक्ट जो है स्थापित किया गया है। लद्दाख संघ शासित क्षेत्र के लेह में प्रोविजन ऑफ सोलर वोल्टाइक पावर प्लांट 1.5 मेगावाट नामक परियोजना भारतीय वायु स्टेशन सेना स्टेशन के ऊपर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है, लेह याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया, विश्वजीत चटर्जी, सत्यजीत रॉय, लता मंगेशकर या फिर सावित्री चटर्जी। ये आपको बता देना है जी, पोल करके आंसर देना है। 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह की बात आपसे पूछ रहा हूं, इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सत्यजीत रॉय को बता रहे हैं 47% बच्चे, जबकि 32% सही बता रहे हैं जी, विश्वजीत चटर्जी इसका करेक्ट आंसर होगा, विश्वजीत चटर्जी। ओके, तो देखिएगा बंगाली फिल्में देने वाले दिग्गज अभिनेता और निर्देशक विश्वजीत चटर्जी को गोवा में शुरू हुए 51वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ द इंडिया में इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देने की घोषणा की गई है, याद रखना विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य में शुरू होगा भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, श्रम आंदोलन संग्रहालय, इन विच स्टेट विल इंडिया इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम बिगन, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या फिर गुजरात। पोल करके आंसर देना है आपको, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। गाइस मेरा इसके बाद जो सेशन रहने वाला है ये अपना 10:30 पे रहने वाला है, 10:30 आप अवश्य ज्वाइन करेंगे, स्पेशल सेशन अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आरपीसी कैटेगरी में, राजस्थान के जो भी बच्चे हैं। तो भैया श्रम आंदोलन संग्रहालय केरला के द्वारा केवल और केवल निशा वर्मा, पीएसआई और धीरज शर्मा आदि बच्चों के द्वारा आंसर किसको किया गया था, तो कृष्णा कुमार, धीरज शर्मा, पीएसआई अभिषेक शर्मा, के शुक्ला, प्रदीप सिंह, संग्राम, अक्षय कुमार, सूरज और मोहित जी, ये आपके टॉप 10 के रैंक में है मेरे प्यारे साथियों। केरल के अल्लापूझा में भारत के पहले श्रम आंदोलन संग्रहालय का शुभारंभ होगा जिसमें विश्व श्रम आंदोलन के आकर्षक इतिहास को दिखाया जाएगा, जिसमें अपने अधिकारों के लिए श्रमिकों के राज्य संघर्ष की एक गहरी छाप यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा अल्लापूझा जो आता है यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों केरला में, से आपके श्रम आंदोलन संग्रहालय का शुभारंभ किया जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों ये था आज का सेशन, अगर आपने अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर सब्सक्रिप्शन नहीं लिया हुआ है, चाहे वो एसएससी हो चाहे रेलवे हो, क्योंकि एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच आने ही वाला है, एक जीके का स्पेशल बैच अगले महीने में यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ होली के बाद, शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से। तो प्रवीण 11 मेरा कोड रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा, वीकली क्विज भी रहेगा और डाउट सेशन भी आपको यहाँ पर मिलता है, और इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो अपना जो नेक्स्ट क्लास है 10:30 पे है, और 10:30 पे जो राजस्थान से रिलेटेड जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका ये क्लास रहेगा, राजस्थान वाले आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंडिया लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए शाम को क्लास रहेगा 8:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहेगा, बिंदास रहेगा, जोरदार रहेगा, और रेफरल कोड जरूर याद रखिएगा प्रवीण 11, आज के आज ही ज्वाइन कर लेना साथियों, ताकि आपको डिस्काउंट भी मिल जाए और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ में पढ़ने का मौका भी मिल जाए।
बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।